हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर के बारे में। जैसा कि कोई भी बॉयलर अगर उसकी आपको परफॉर्मेंस को चेक करना है तो कैसे परफॉर्मेंस चेक करेंगे। जैसे कि बॉयलर जो है वो पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है, मतलब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, तो आपने कितना फ्यूल जलाया और कितना आपके पास स्टीम प्रोड्यूस हुआ, इसको आपको चेक करना है। तो एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर। ठीक है, तो द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टीम बॉयलर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ इट्स एवेपोरेटिव कैपेसिटी, है ना। एवेपोरेटिव कैपेसिटी जो है होती है उसे हम परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम पावर ऑफ अ बॉयलर भी बोलते हैं, मतलब ये जो है बॉयलर की पावर होती है। तो जनरली एवेपोरेटिव कैपेसिटी अगर आप मेजर कर लोगे, या एवेपोरेशन रेट या एवेपोरेशन चीज मेजर कर लोगे कि कितना एवेपोरेशन हो रहा है वाटर के उसके अंदर, बॉयलर के अंदर, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे। तो इससे एक टर्म आती है जुड़ी हुई, एवेपोरेशन रेट, जो कि रेशियो होता है मास ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस बाय बॉयलर अपॉन पर केजी ऑफ फ्यूल। मींस इसका रेशियो का मतलब क्या है, जब हम एक केजी फ्यूल जलाते हैं तो कितना आपको स्टीम प्रोड्यूस हुआ, है ना। मास ऑफ स्टीम मतलब इतना मास स्टीम प्रोड्यूस हुआ मैं बॉयलर के अंदर। तो जनरली इसको फॉर्मूले को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एम एस अपॉन 1 kg ऑफ फ्यूल, मतलब इतना kg ऑफ फ्यूल जलाया तो आपको इतना kg में आपको स्टीम मिला। ठीक है, लेकिन एवेपोरेशन जो रेट होता है ये ओनली रिक्वायर्ड नहीं होता है जो कि पूरी तरीके से आपके बॉयलर की परफॉर्मेंस को चेक करके बता सके। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है टोटल हीट जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एंथैल्पी की बात करते हैं, जैसे सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, है ना, तो वो टर्म्स इसके अंदर जनरली इस फॉर्मूले से डिनोट नहीं हो रही। एक सिंपल वे में इसको बोल सकता हूँ कि ऐसे जो है हम एवेपोरेशन रेट से बॉयलर की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि हमने इतना फ्यूल जलाया तो इतना आपको केजी में आपको स्टीम मिल गया। लेकिन जो केजी में स्टीम मिल रहा है आपको, वो उसमें कुछ हीट की रिक्वायरमेंट तो होगी। जब तक हम उस हीट की रिक्वायरमेंट वाले फॉर्मूले को इसके अंदर नहीं लेंगे तो वी कैन नॉट जस्टिफाई परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर। तो उसके लिए एक टर्म आती है, सो वी यूज्ड इक्विवेलेंट एवेपोरेशन। इक्विवेलेंट एवेपोरेशन जो है ये इम्पोर्टेंट टर्म है जिसके द्वारा जो है हम बॉयलर की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। ये होता क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर इसके फॉर्मूले को समझते हैं। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल आता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर एवेपोरेट फ्रॉम फीड वाटर एट 100 degree Celsius। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो गए, ये मैं ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। ये आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर जो है ये सेचुरेटेड लिक्विड है जो कि सेचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वही बोल रहा है, मतलब इट इज अमाउंट ऑफ वाटर एवेपोरेट, ये इतना अमाउंट ऑफ, ये इक्विवेलेंट एवेपोरेशन ये जो क्या होता है, ये बताता है आपको कि कोई अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे 1 kg ऑफ वाटर है फ्रॉम फीड वाटर, फीड वाटर मतलब जहाँ से पानी बॉयलर के अंदर आता है, ये यहाँ से लिक्विड वे में आएगा, ये पूरा लिक्विड क्वांटिटी में होगा, तो ये लिक्विड क्वांटिटी में है। तो फीड वाटर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले ही उसको हम किसकी मदद से, इकोनोमाइजर की मदद से हम उसको गर्म कर देते हैं, है ना, प्री हीट कर देते हैं। तो हमने मान लिया कि ये 100 degree Celsius पे है लिक्विड। ठीक है, अब क्या होगा आपको, एंड फॉर्म इनटू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 100 degree Celsius, मतलब ये वाला पॉइंट, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम 100 degree Celsius पे वो चला जाएगा। इट इज़ यूजुअली रिटन एज फॉर्म एंड एट 100, मतलब ये वही चीज़ है, यहाँ फॉर्म और यहाँ पे 100 degree Celsius। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट एवेपोरेशन। एज द वाटर इज ऑलरेडी एट बॉइलिंग टेम्परेचर, जो वाटर है वो पहले से ही बॉइलिंग टेम्परेचर है, विद द हेल्प ऑफ इकोनोमाइजर इट रिक्वायर्ड ओनली लेटेंट हीट। अब सिर्फ यहाँ पर देखो, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ये टर्म बताया था, ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ओनली लेटेंट हीट, मतलब एक ये कितने प्रेशर जो है ये 1 bar है, तो 1 bar लेटेंट हीट एट 1 bar टू कन्वर्ट इट इंटू स्टीम एट द टेम्परेचर 100 degree Celsius। द वैल्यू ऑफ दिस लेटेंट हीट इज टेकन 2 to 5 kg, 2 to 5-7 kJ/kg। यहाँ पर आप देख रहे होगे, तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, उस वीडियो को देखिए तभी ये चीज़ें समझ पाएंगी। मैंने बेसिक सी चीज़ें आपको क्लियर की हैं कि ये पूरा ग्राफ भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये रेशियो ये कुछ नहीं है, इट इज़ अमाउंट ऑफ वाटर एवेपोरेट फ्रॉम फीड वाटर एट 100 degree Celsius एंड फॉर्म इनटू ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम एट 100 degree Celsius। ठीक है, और इसे हम रिटर्न कैसे करते हैं, फ्रॉम एंड एट 100 degree। ठीक है,
इसमें सिर्फ ओनली ये यहाँ से यहाँ पे आप जो कन्वर्ट कर रहे हो सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको ओनली कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर आपको लगेगी लेटेंट हीट, और उस लेटेंट हीट की वैल्यू 1 kg के लिए मतलब 1 atmospheric प्रेशर के लिए 2257 होता है। इसकी वैल्यू आप जो है स्टीम टेबल से निकाल सकते हैं, 1 pressure के लिए देख सकते हैं ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो इतनी जो है हमें लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होगी, आ गया समझ में आपको। अब इसके फॉर्मूले को हम समझते हैं, फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, तो यही सेम जो है इसके अकॉर्डिंग इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे E=mEh-HF₁/2257, ठीक है। तो ये पूरा इसका फॉर्मूला है, जब इसमें हम बात करें कौन कौन सी क्या टर्म्स हैं, तो इस फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे इसमें ये टोटल जो हीट है वो आ गया है कि कौन कौन सी हीट भी अपने यूज़ कर ली, मास भी ले लिया, और उसके बाद लेटेंट हीट जो है वो उसकी वैल्यू भी आपने इसमें पुट कर दी। तो इससे आप जस्टिफाई कर पाओगे, इससे बता पाओगे कि हम परफॉर्मेंस की जो बॉयलर है उसकी परफॉर्मेंस को हम चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर एम ई क्या है, ये मास को रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवेपोरेट और स्टीम प्रोड्यूस क्लोजूल पर आवर और क्लोजूल पर केजी, मतलब केजी पर केजी है ऑफ फ्यूल वल, मतलब आपने एक केजी फ्यूल जलाया तो 1 kg आपको स्टीम मिला, और यहाँ पर 1 घंटे में हमें 1 kg स्टीम मिला। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये अपना टाइम के हिसाब से, और ये जो है ये सिर्फ मास के हिसाब से, मतलब इतना फ्यूल जलाया तो इतना आपको स्टीम मिला। तो एम ई ये वही चीज़ रिप्रेजेंट करता है। एच क्या है यहाँ पर, ये जो एच है एंथैल्पी और टोटल हीट ऑफ स्टीम, टोटल हीट का फंडा मैंने बताया था आपको, टोटल हीट क्या होती है इस ग्राफ के अंदर, यहाँ से यहाँ तक की हीट होती है सेंसिबल हीट, प्लस यहाँ से यहाँ तक की होती है लेटेंट हीट, तो ये टोटल हीट होती है, ठीक है। तो जैसे हम एच जी से भी डिनोट कर रहे थे, तो एच जी यहाँ पे एच जी से डिनोट कर रहे थे ना, इजिक्वल टू ये एच एफ प्लस एक्स एच एफ सी, ये बेट स्टीम के लिए होते हैं, ये फॉर्मूलेज होते हैं, इनसे हम निकालते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट स्टीम टेबल में हम वैल्यू देखते हैं इसकी, ठीक है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में स्टीम टेबल में वैल्यू देखते हैं, ये चीज़ याद रखना आप, है ना, प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये जो एंथैल्पी और टोटल हीट ऑफ स्टीम जो है उसकी वैल्यू देखेंगे वेट स्टीम के लिए, ड्राई सैचुरेटेड के लिए और सुपर हीटेड के लिए। अगर हमें नहीं मालूम आपको एक्स गिवन है और ये दोनों चीज़ें आपको मालूम है, अगर लेटेंट जो आपका ड्राई इंस्ट्रक्शन गिवन है, तो फिर वैल्यू पुट करके आपको ये निकालना पड़ेगा। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बेटा इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में, तो उसको आप देखिए तभी समझ पाएंगे, है ना। तो ये तीनों लेक्चर की रिक्वायरमेंट्स वहाँ पड़ेगी, फॉर्मूलेज की, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इन फॉर्मूलेज में HF₁ क्या है, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये सेंसिबल हीट है और इसे हम एंथैल्पी भी ऑफ बोलते हैं, फीड वाटर मतलब जब फीड वाटर से आएगा पानी तो उस केस में ये सेंसिबल हीट है। यहाँ पर देखो वही चीज़ है ना, ये सेंसिबल हीट, पानी यहाँ से आ रहा है और फिर हम उसको इकोनोमाइजर में गर्म कर रहे हैं। उसके बाद T₁ क्या है, टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर, तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर दे रखा होगा, ये जनरली 32 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल एटमोस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस हिसाब से जो है हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है H₁ पे डिपेंड करती है, ये भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर ये जो पूरी टर्म है इसको क्या बोलते हैं, H-HF₁, ये होता है टोटल हीट रिक्वायर्ड टू एवेपोरेट 1 kg ऑफ स्टीम, मतलब इतनी हीट रिक्वायर्ड है एवेपोरेट 1 kg ऑफ स्टीम, और यहाँ पे अगर आप मास का इवेलुएट कर दोगे नीचे तो टोटल हीट रिक्वायर्ड टू एवेपोरेट MKg ऑफ मास ऑफ वाटर, ठीक है, MKg ऑफ मास ऑफ वाटर। तो ये जो टर्म है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इनको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से इनको याद कर लीजिए, और अगर आपको और इनको अच्छे से समझना है तो मेरे इससे पहले वाले 3 वीडियो हैं इसके ऊपर, उनको देखिए, क्योंकि बेसिक वीडियो मैंने आपको बेसिक से ये समझाया है, डायरेक्ट मैंने सब चीज़ें नहीं ली हैं, ये सभी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हैं, मैंने बोला भी था कि ये जो टर्म्स हैं इसके अंदर आएंगी जब हम न्यूमेरिकल वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ इसके अंदर जो है वो आती है, वो उसको बोलेंगे हम H-HF₁/2257, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है इसे बोलते हैं हम FE। अगर आप मास जो है मास को अगर इसके अंदर से हटा दोगे तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ एवेपोरेशन,
ये जो टर्म होती है, मतलब जो फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था इक्विवेलेंट इवेपोरेशन में, उसमें सिर्फ एम ई की आप हटा दो तो यहाँ से फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन निकल जाता है। मतलब ये फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन है, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, कि वो आपको डायरेक्ट बोलेगा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या फिर आपको बोलेगा कि फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, एम ई हटाना है और इसकी वैल्यू पुट करना है और आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म हम डिस्कस करते हैं बॉयलर एफिशिएंसी के बारे में, उसके बाद फिर इसके पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। व्हाट इज़ बॉयलर एफिशिएंसी? तो बॉयलर एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी रेशियो होता है, रेशियो किसके बीच में होता है, हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग स्टीम अपॉन हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस। मतलब इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूस द स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। इसको हम जो है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर बोलते हैं, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा वीडियो लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से क्वेश्चन जो है आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है और गेट वगैरह में भी पूछ सकता है। इट मे बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज इन प्रोड्यूसिंग द स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस। तो अगर हम बॉयलर की एफिशिएंसी आपको निकालना है या थर्मल एफिशिएंसी आपको निकालना है तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, जो भी हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग स्टीम, जितनी भी आपने हीट का यूज किया वो, और नीचे हीट लिबरेटेड, कितना हीट लिबरेटेड हुआ जब आपने कोयला जलाया तो कितना हीट लिबरेटेड हुआ इन द फर्नेस, अगर इसका अगर कैलकुलेशन आप कर लोगे तो आप बॉयलर की एफिशिएंसी को निकाल पाओगे। जो कि अगर इसको मैं लिखूं तो ये इस टाइप से होता है, बिग हीट लिबरेटेड हम पहले ही ऑलरेडी फॉर्मूले में डिस्कस कर चुके हैं, ये अपॉन यहाँ पर हम लेटेंट हीट जो है उसका मल्टीप्लाइंग करेंगे, सी जो है सी को क्या बोलेंगे, हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस, कितना हीट लिबरेटेड हुआ। तो जो सी होता है ये होता है कैलोरीफिक वैल्यू, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इन किलो जूल पर केजी। तो सी, इसको हम सी बी भी लिखते हैं कभी कभी और सी भी लिखते हैं, जो कि है क्या, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इन किलो जूल पर केजी ऑफ फ्यूल। मतलब आप इतना किलो जूल जो है केजी फ्यूल जलाओगे तो इतना केजी आपको स्टीम मिलेगा, है ना। तो आगे होगा समझ में आपको कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मतलब है। इट इज़ द हीट इज लिबरेटेड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल व्हेन मास ऑफ द फ्यूल इज 1 kg। जो सी वी जो होता है इसकी भी डेफिनेशन होती है, इसको भी आप लिख लीजिए, इट इज द हीट लिबरेटेड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल व्हेन मास ऑफ द फ्यूल इन 1 kg। मतलब जब आप 1 kg फ्यूल जलाओगे तो उसमें कितनी हीट लिबरेटेड हुई, उसको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो अलग अलग होती है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि डिफरेंट टाइप के कोल होते हैं, जैसे कि पीट होता है, एंथेसाइड होता है, ब्राउन कोल होता है, सबकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब उसके जलने की कितनी कैपेसिटी से वो जल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म और आएगी जब बॉयलर की एफिशिएंसी को हम डिफाइन करेंगे, तो एक चीज़ और यहाँ पर आएगी जिसे हम बोलेंगे ME जो होता है वो रेशो होता है MS अपॉन MF, है ना, kg of फ्यूल वन। यहाँ पे MS क्या होगा, टोटल
मास ऑफ वाटर एवेपोरेट इनटू स्टीम इन केजी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर